नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूनम। किसी न किसी कारण मीडिया में छाए रहने वाले नवजोत सिंह सिद्धू अब चुनाव संपन्न होने के बाद भी मीडिया में उसी तरह छाए हुए हैं। अब आम आदमी पार्टी के नेता जसविंदर सिंह एडवोकेट ने नवजोत सिंह सिद्धू पर इल्जाम लगाया है कि वे पहले भी मेंबर पार्लियामेंट जीते थे, तब भी अमृतसर में नहीं पहुंचे थे और अब विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद भी वे मुंबई में जाकर बैठ चुके हैं। जिसका जवाब देते हुए कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजकुमार ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू केजरीवाल की तरह झूठ की राजनीति नहीं करते और ना ही पंजाबियों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। देखो, एक गल असीं शुरू तो ही कह रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू पहले भी जो MP भी बने उस तो बाद भी पंजाब च नज़र नहीं आए। पंजाब के लोगों प्रति उन्हों का एक फर्ज सी जो उन्होंने निभाना चाहिए सी। अमृतसर के लोगों से खास करके जिन्होंने 3 बारी MP बनाया उन्होंने कोल रह के उन्होंने मुश्किलों हल करना चाहिए सी। MP हो के ही मुश्किल हल नहीं होंगे, वैसे भी जोड़ा वो उन्होंने नाल दुख सुख का भाईवल बनना चाहिए सगा। तो मैं लगता है कि वो दोबारा भी नहीं उन्होंने इतने लभना, क्योंकि सरकार कांग्रेस की आनी नहीं है, तो इस करके जोड़ा वो वापस अपने काम पर पहुँच गए। केजरीवाल साहब दिल्ली के भगौड़े हो के इतने आए और पंजाब लुटन वास्ते आए थे। पंजाब के लोगों को उन्होंने रिश्वत के तौर पर 1 करोड़ रुपए ले जिदा कि इल्जाम लगाया इन्हों की पार्टी के लोगों ने और धियां भैन की बेइज्जती भी की। लोग तो इन्हों लभ रहे हैं बड़ी बुरी तरह के नाल और केजरीवाल भज गए इतों पंजाब छड़ के और हुण कित्थे और उन्हों लभ रहे दिल्ली वाले भी लभ रहे। दिल्ली च इश्तहार लगे कि दिल्ली का भगौड़ा हुण पंजाब वाले करे पंजाब का भगौड़ा, तो ये मैनू समझ नहीं लगती गल की भी ये की लभण डे पंजाब दे विचों। लुधियाना के आलमगीर मलेरकोटला रोड पर स्थित एक खाली प्लाट से 28 के करीब जिंदा बम मिले हैं। बम मिलने की सूचना मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह बम और रॉकेट लॉन्चर गुरुद्वारा साहिब के पास एक प्लॉट से मिली है। पुलिस ने इस एरिया को सील कर दिया है। इसकी सूचना आर्मी को भी दे दी गई है। पुलिस ने प्लाट के मालिक को भी तलब किया है। वहीं आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। ਉੱਥੇ ਡਾਟਾ ਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 36 ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ, ਤੇ 26 ਤੋਪ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆ, ਤੇ 4 ਗਰਨੇਡ ਉਹ ਜਰ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਬੰਬ ਸਕਾਟ ਟੀਮ ਬੁਲਾਈ ਆ ਅਸੀਂ ਬਦੋਵਾਲ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਣ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ। ਸਰ आलमगीर दे अपोजिट डेल्टा सिटी कलोनी है जी, वो हाले बन रही है नवी कलोनी, एक दो ही मकान बने उत्थे, बाकी सारे खाली प्लाट पए। भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए एक लौते टेस्ट मैच में 208 रनों से बांग्लादेश को हरा दिया है। 459 रन के टारगेट का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग में 250 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम में भारत की ओर से आर अश्विन और जडेजा ने 4-4 विकेट लिए। यूपी में पहले चरण के लिए चुनाव पूरे हो चुके हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के नेताओं का बयानबाजी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। इसी बीच हमेशा से ही विवादों में रहने वाले सपा के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने अमर सिंह को लेकर विवादित बयान दिया है। रामपुर में रैली के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए आजम खान ने अमर सिंह का नाम लिए बिना उनको दल्ला और सांड कह डाला। भी मैंने ही रखा है और दल्ले का लकब भी मैंने ही दिया। और ये दल्ला जहां जाता है चैनल वाले इसे जलील करने के लिए कहते हैं कि आजम खान आपको दल्ला क्यों कहते हैं। बोला सांड हूं सांड, अरे है तो फिर भी जानवर। मैंने कहा अगर जानवर ही बनना था इस सांड को, और सांड की खूबी क्या होती है,
जंगल में और कोई खेत नहीं देखता, कहीं घुमा देता है। और फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में अपने मंत्रिमंडल के साथ मीटिंग की, जिसमें राइट टू सर्विस कमीशन को प्रभावी बनाने की कोशिश की गई। मंत्री सभी अधिकारीगण सूर्यकुंड में उनको भोजन पर निमंत्रण दिया गया है। सूर्यकुंड का जो मेला होता है उसमें हर वर्ष एक समय ऐसा होता है कि सरकार के सब लोग उस लंच के ऊपर इकट्ठे होते हैं, तो कल वो एक दिन तय किया हुआ है। और जब सब लोगों को वहाँ जाना है तो कैबिनेट मीटिंग भी हमारी सेशन से पहले की जो कैबिनेट मीटिंग है उसको वहाँ करने का निर्णय लिया है, इसलिए उस मीटिंग में कोई बहुत विशेष एजेंडा। हम ये चाहेंगे कि नॉट ओनली टाइम पे मिले मगर क्वालिटी ऑफ सर्विस भी जो मिले वो अच्छी हो, तभी हम गवर्नमेंट की जो गुड गवर्नेंस की जो इच्छा है उसको हम पूरा कर सकेंगे। तो आगे हम ये कोशिश करेंगे कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है उस पर भी इम्प्रूवमेंट आए और हमारे जो गवर्नमेंट सर्विस है वो भी ऐसा लगे जैसे कॉरपोरेट सर्विस देता है, तो जैसे आम कंज्यूमर को देता है। बेशक वहाँ पे पेमेंट होती है, यहाँ पेमेंट नहीं होती, ज़्यादातर सर्विसेज फ्री हैं, पर फिर भी हम चाहेंगे कि इसका स्तर ऐसा बनाया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधा मिले। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सामूहिक नकल के दोषी 634 छात्रों के दाखिले रद्द कर दिए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड में रोड शो के दौरान पीएम मोदी से 3 सवाल किए, साथ ही मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने कांग्रेस के कचरे को बीजेपी में रख लिया है। सपा के सीएम उम्मीदवार अखिलेश यादव मुरादाबाद में वोट मांगने पहुंचे, जिस दौरान अखिलेश ने बीजेपी और बसपा पर निशाना साधा और कहा कि यूपी में सीएम की गिनती करने वाले लोगों के पास कोई काबिल सीएम चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इनकी सरकार में 5-5 मुख्यमंत्री हैं, बताओ उनके पास एक भी मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दो। जब चेहरा ही नहीं लाए तो वो सरकार बनाना ही नहीं चाहते। जब चेहरा नहीं लाए तो इसका मतलब यही है कि सरकार वो बनाना नहीं चाहते। और फिर सावधान रहना, वो पत्थर वाली सरकार से भी, यहां तो साइकिल वाले हैं लेकिन उन्हें बता देना कुछ लोग वहां गड़बड़ होने हैं। ये पत्थर वाली सरकार आ गई तो फिर हाथी लगवा देगी इस बार। और हो गया अगर कंपटीशन, अगर हो गया कहीं कंपटीशन बड़े हाथी लगाने का और कहीं तय कर लिया कि बीजेपी वालों की जो गुजरात में मूर्ति लग रही उससे बड़ा हाथी लगाएंगे तो बताओ खजाने का पैसे का क्या होगा फिर। नाभा जेल ब्रेक कांड के मुख्य दोषी गुरप्रीत सेखो और उनके साथियों को आज कड़ी सुरक्षा के साथ नाभा जेल की अदालत में पेश किया गया। वहां पर उन्हें अदालत की तरफ से 18 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। अदालत की तरफ से हर 24 घंटों के बाद उनका मेडिकल करवाने के भी हुक्म दिए गए हैं। नाभा जेल ब्रेक दे जड़े 4 असी अक्यूज लब्बे ने, गुरप्रीत सेखो, मनवीर सेखो, कुलविंदर एंड सुल्तान, 4 बंदे लब्बे सी। उन्होंने असी 10 दिन का रिमांड मंगिया सी, जिहड़ा कोर्ट ने सानू 5 दिन का रिमांड दे दिता। वैपन भी रिकवर हुए ने इन्हां कोलों, 4 छोटे हथियार ते 1 वड्डा वैपन मिलिया, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। लोकसभा सांसद किरण खेर ने सोमवार को चंडीगढ़ में अपने निवास स्थान पर जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर भारी मात्रा में लोगों का जमावड़ा देखने को मिला और किरण खेर ने समस्याएं सुनने के साथ साथ लोगों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं का निदान समय रहते कर दिया जाएगा। इस दौरान पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए किरण खेर ने बताया कि उनको डेमोसाइल का मुद्दा संसद में उठाया है और इसी संदर्भ में सीएम पंजाब व सीएम हरियाणा को भी एक पत्र लिखकर मांग की गई है कि पंजाब चंडीगढ़ हरियाणा के बीच डोमिसाइल का मुद्दा गंभीरता से लिया जाए। किस तरह की समस्याएं और किस तरह उनको निदान करें थोड़ा इस बारे में? बस कुछ नहीं जी, क्या समस्याएं तो रोज ही होती हैं। अब कोई टीचर्स आ गए, उन्होंने कहा कि हमारे को उन नौकरियों का किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, उनको कहते हैं कि पक्के करना है। अब पक्का के कोई उसकी कोई वो नहीं है, देर इज़ नो पॉलिसी फॉर दैट। सेंटर की पॉलिसीज़, पंजाब की पॉलिसीज़, हरियाणा की पॉलिसीज़ और चंडीगढ़ की पॉलिसीज़, उसको सबको मिलाकर किस तरह लोगों को रिलीफ दिया जाए। बहुत सारे किसी के पर्सनल काम हैं, किसी के शहर के काम है, कोई एम्प्लॉइज़ के काम है। देखिए जी, मैं वो कर रही हूँ कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन ये काम जो है ना, दिस इज़ डोमिसाइल वाला जो है, या तो चीफ मिनिस्टर्स इसमें कोई पहल करें।
अगर वो नहीं करते हैं, मैं जाकर उनको खुद पर्सनली मिलूंगी भी। पंजाब के तो अभी हम वेट कर रहे हैं, इलेक्शन हुए हैं, तो जब तक गवर्नमेंट फॉर्म होगी थोड़ा वक्त लगेगा, तो जैसे ही वो हो जाएगा और खट्टर साहब से भी मिल लूँगी, तो उसके बाद भी अगर कोई हल नहीं निकला तो फिर वी विल ट्राई एंड सी कि क्या रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंदर क्या चेंजेस सेंटर के साथ बैठकर ला सकते हैं। ये थी अब तक की मुख्य खबरें, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।